क्या वीडियो बनाऊं समझ नहीं आ रहा यार। कोई ऐसा कंटेंट होना जिसमें मेरे को भी मजा आए और ऑडियंस को भी मजा आए। क्या किया जाए यार, समझ नहीं आ रही। क्या करूं यार। चल यार थोड़ी ठंडी हवा ही खाते हैं। आसमान में क्या ही होगा फायदा, कुछ टपकेगा थोड़ी। अबे ये क्या आ रहा भाई? ओ भाई क्या ही चीज आई है भाई, मजा आ गया भाई। अब आएंगे व्यूज। तो भाई बोट का जो लास्ट टाइम हमने साउंड बार रिव्यू किया था, क्या ही आग लगाई थी उसने। 1.7 मिलियन व्यूज। तो भाई अब हमको आ गया लालच व्यूज का। और इसी स्पीकर का एक जुड़वा भाई आता है थम के नाम से, तुमने देखा भी होगा। कोई फर्क नहीं है, दोनों के दोनों सेम है, इसलिए मैंने टाइटल में दोनों नाम डाल दिए। वो वाला बस वायर्ड सबवूफर के साथ आता है, ये वायरलेस सबवूफर, बाकी हर चीज सेम है, आउटपुट से लेके डिजाइन से लेके मतलब हर चीज सेम है। तो इस वीडियो में तुम्हें थम का भी आइडिया लग जाएगा। कर ले हम शुरू सीधा आकाश मार्ग से ऑर्डर करा हमने। खोलते हैं अब इस आदि कुर्सी को। चाकू छोड़ रहे थे यार, भाई खुलता कैसे, हर बार अलग ही कंफ्यूजन देता भाई। भाई खुल गया इसका गेट। भाई ये टेबल पे खुलने वाली चीज नहीं है, इसको तो मैं जमीन पे खोलना पड़ेगा। मैंने सोचा टेबल पे क्या पता बड़ी है खुल जाए, लेकिन भाई अलग ही सीन है इसका। पूरी ताकत के साथ साउंड बार। मैंने इसको इतने दिन से खोला ही नहीं था, सोचा कि सीधा वीडियो में खोलूंगा, अब समझे क्यों। इसीलिए भाई सब खिंड गया, एक एक करके दिखाता हूँ। अब गया गंदे कबाड़ में। डंडा काफी बड़ा इस बार। और एक मिलता है ये पाउच जिसमें बहुत सारा सामान दिया भाई। बोट का कागज किसी काम का नहीं है। चल दिया भाई, ये बहुत रेयर हो गई आजकल ये चीज। कंपनी वाले 10 रुपए बचाने चक्कर में देते, लेकिन बोट ने दिया। एक मिलती है ऑक्स केबल, एक ये स्क्रूज वगैरह दीवार पे माउंट करने के लिए, बोट हेड का स्टिकर, इसको तो ये हर बार देते हैं भाई। एंड फाइनली अपना रिमोट, इसके दर्शन बाद में करेंगे, पहले इसे खोल ले भाई। मेन चीज तो यही है, क्या बोलते हो, उतार दे इसे। ओहो वाह भाई, पन्नी पे पन्नी भाई। तो कुछ ऐसी है इसकी पावर कोड भाई, पहली नजर में लग तो तगड़ा रहा है यार, फर्स्ट इंप्रेशन से बिल्कुल। मैंने अभी देखा है इसे, इसके दर्शन ही अब करे मैंने। तो यार राइट साइड में मिलती है बोट की ब्रांडिंग, सामने पूरी की पूरी आयरन मैश लगी हुई है, स्टोर सोलिड है, अंदर इसके स्पीकर वगैरह जो है सब फिट कर रखे हैं। भाई ये देख रहे हो पन्नी बाहर नहीं आ रही भाई, कहाँ घुसा रखा है इसको, क्या कर रहे हो ये बोट वालों, मैं पन्नी बाहर नहीं आ रही मुझसे भाई। ये ग्लोसी सरफेस है, काटना ही पड़ेगा मुझे लगता है। भाई ये देखो पन्नी के ऊपर लगा हुआ है, इसको भी, ये भी पन्नी के ऊपर है भाई, मतलब ये कभी उतरेगी नहीं अब। खैर देख लो ये पूरा का पूरा नीचे आगे साइड में हर जगह में ग्लोसी सरफेस मिलता है। ये दो वॉल माउंट्स हैं यहाँ पे, यहाँ जा रही है अपनी पावर कोड और यहाँ मिलते हैं हमको इसके पोर्ट्स। तो एक HDMI ARC वाला पोर्ट, ARC मतलब ऑडियो रिटर्न चैनल। भाई पता ही होगा तुम्हें कि अगर टीवी के अंदर ARC वाला सपोर्ट है तो बिल्कुल एकदम HDMI से ऑडियो सिंक हो जाएगी बढ़िया वाली, विदाउट लेटेंसी ऑडियो लेने के लिए ये चीज कर सकते हो। एक ऑप्टिकल पोर्ट, एक अपना ऑक्स का पोर्ट, और राइट साइड पर कुछ बटन्स वगैरह हैं अपने ऑन ऑफ के, वॉल्यूम कम ज्यादा के लिए, प्ले पॉज, और ये अपना मोड्स चेंज करने के लिए अलग अलग इनपुट्स के लिए, और एक USB पोर्ट, तो इसमें मतलब पेन ड्राइव वगैरह लगा के अगर कोई गाने वाने सुनने हो तो उसके लिए। भाई साहब ओए होए, थोड़ा भारी तो है वैसे ये। चाकू लाया चाय, प्यार से काटा बिल्कुल, हमने भी और तुम्हारी एक्स ने भी। अनबॉक्सिंग तो हमसे ही करवाओ तुम सारी। तो भाई सामने की तरफ फुल पन्नी वन्नी लगी हुई है, और मतलब क्या ही फिनिशिंग दी हुई है, मजा आ गया देख के भाई, पूरा एकदम बोट का लोगो छाप दिया एकदम, एक नंबर डिजाइन। तो सामने की तरफ ग्लोसी सरफेस है पूरा, यहाँ पर नीचे बोट की ब्रांडिंग कर रखी है, और यहाँ से मैट है, लेकिन ये वाली जगह जो है ये ग्लोसी है, और वुडन कैबिनेट है पूरा, क्योंकि इसको बेस प्रोड्यूस करनी है भाई। यहाँ राइट साइड पे इसका क्या बोलते हैं, जाली लगी हुई है, वूफर टिका हुआ है जिसके अंदर बूम बूम करेगा जहां से। तो पीछे देखो कितना बड़ा छेद है हवा देने के लिए, और ये ऑन ऑफ का बटन, और इसकी पावर कोड अलग आती है क्योंकि ये वायरलेसली अटैच होता है, मतलब कनेक्ट होता है अपने साउंड बार के साथ, मतलब साउंड बार आगे वूफर पीछे कहीं भी मतलब टिका दो तुम इसे, बस
पावर दे देना भाई। फीचर्स की बात करें तो इसमें हमारे पास ब्लूटूथ वर्जन 5.3, साउंड आउटपुट के लिए जो अपना ड्राइवर साइज है, साउंड बार के अंदर भाई दो ड्राइवर्स लगे हुए हैं 2.25 इंचेस के, और जो अपना सबवूफर है उसका ड्राइवर साइज है 5.25 इंचेस, और ये दोनों मिलाकर के 200 वाट्स का पीक आउटपुट निकाल सकते हैं। और वेबसाइट पर या कहीं पर भी ना मेंशन नहीं था कि सबवूफर का कितना आउटपुट है और साउंड बार का कितना है। बाकी जहां तक मुझे लगता है कि पता नहीं मुझे कैसे लगता है, मुझे कैसे पता भाई, टोटल 200 है ये मान लो। तो कुछ ऐसा अपना रिमोट है जैसा हर अवान्ते बार का आता है वैसा सा रिमोट है इसका, प्लास्टिक का है और मैट फिनिश में आता है, लाइट वेट भी है। तो यहाँ पावर, म्यूट, इनपुट, पेयरिंग का बटन भी दिया हुआ है, और यहाँ पर वॉल्यूम वगैरह के सारे कंट्रोल्स हैं, यहाँ पर अलग अलग मोड्स हैं म्यूजिक, न्यूज और मूवी का, और एक 3D मोड भी है इसमें, और बेस और ट्रेवल दोनों हम एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। और मेरे पास ना लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया था कि भाई ट्रेवल क्या होता है, तो देखो बेस तो बूम बूम तुम्हें बताइए, ट्रेवल का मतलब होता है कि जो हाइज होते हैं ना बेसिकली, अपनी जो क्लैरिटी कह सकते हो या फिर तुम कहां साउंड हाई पीक पे टच कर रही है, हाइज को बेसिकली ट्रेवल कहते हैं। तो सामने की तरफ हमें इसके अंदर एक LED डिस्प्ले मिलती है जिसे ऑन करते भाई सारी इन्फॉर्मेशन इस पे दिखाएगी, जो भी तुम इनपुट्स वगैरह चेंज करोगे हर चीज। अब बस फटाफट इसकी एक बार आवाज सुन के देखते हैं भाई, फर्स्ट इंप्रेशन देने के लिए अभी तक मैंने टेस्ट नहीं किया, तो जो भी होगा सामने होगा तुम्हारे। भाई साहब मतलब भाई लिटरली मेरी टेबल ऐसे शेक कर रही है, ऐसे कड़कड़ कड़कड़ कड़कड़, क्योंकि ये सबवूफर इसके ऊपर टिका हुआ है ना भाई, और अगर हम इसे नीचे रख देंगे तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया बेस देगा ये, बोला जा रहा। तो अब मैं इसे ना टेस्ट करके आता हूँ बिल्कुल एकदम डिटेल में, फिर मिलेंगे भाई। क्या आवाज है यार इसकी भाई, मतलब मैं बहुत देर से टेस्टिंग कर रहा हूँ इसके, और मैंने पता नहीं कौन कौन से गाने सुन लिए इसमें भाई, अलग अलग लेवल के, बेस वाले, बिना बेस वाले सारे, अब एक बार ढंग से बताएंगे तुम्हें। उससे पहले एक बार तुम भी एक सैंपल सुन लो, नेफेक्स सॉन्ग, तो मैक्सिमम 30 तक इसकी वॉल्यूम जाती है, और अभी नॉन कॉपीराइट गाना है। भाई जो थंप आया है ना, मतलब मजा आ गया देख करके भाई, जो मतलब इसका जो सबवूफर है ना पता नहीं क्या ही थंप निकालता, बहुत ही एकदम ऐसा होता है ना बिल्कुल घुमा के नीचे से एकदम डीप वाली बेस, वो वाली देता है भाई। मैंने बहुत सारे साउंड बार ट्राई कर लिए लेकिन 200 वाट्स के सेगमेंट में भाई अभी तक इससे तगड़ा तो मुझे कोई लगा नहीं। लास्ट 180 वाट में जेब्रोनिक्स किया था, उससे भी ज्यादा तगड़ी लग रही है इसकी थंप। वो पता लगे वो थोड़ा होम थिएटर सेगमेंट था तो उसमें और ज्यादा सराउंड की फीलिंग आ रही थी, बट भाई बेस इतनी तगड़ी नहीं थी उसमें भी, इसमें तो और भी ज्यादा तगड़ी है। तो अभी एक बार मूवी वाले मोड पे टेस्ट करते हैं people to see if we could become destiny still alive भाई बहुत ज्यादा लाउड है यार। मेरा जो कमरा है ना ये 10x10 फुट के आसपास का है, थोड़ा 15 फुट के आसपास होगा, 10x15 इस कमरे के हिसाब से बहुत ही ज्यादा लाउड है इसकी आवाज। देखो अगर तुम इसे खुले में बजाओगे तो डेफिनेटली तुम्हें कम फील होगी उस हिसाब से लाउडनेस, बट वैसे कमरे में अगर बजाते हो जो अपना तुम्हारा कमरा होगा जो जितना भी है उस कमरे में, तो भाई बहुत ज्यादा तगड़ी साउंड है इसकी। क्या बताऊं, मूवी में भी ना मैंने मूवी वाला जो मोड ट्राई किया उसमें क्या था कि डायलॉग्स अच्छे हो जाते हैं बट जो पीछे जो मतलब हल्की सी बेस है वो थोड़ी सी कम हो जाती है ऑटोमेटिकली, वो मोड के अंदर चेंज होता है। जो म्यूजिक वाला मोड है उसमें डायलॉग्स भी तगड़े हैं, बेस भी तगड़ी है, लाउडनेस भी तगड़ी है, और वोकल्स वगैरह हाईज मिड सब बढ़िया है। और जो 3D मोड है उसमें ना हाईज थोड़े ज्यादा हो जाते हैं, थोड़ा सा हल्का सा सराउंड इफेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करता है। बाकी जो न्यूज मोड है वो मुझे इतना काम का नहीं लगा क्योंकि उस पे गाने वाने तो मत ही सुनना, न्यूज देखना चाहो तो पता नहीं देख लेना, बाकी मुझे कोई इतना अच्छा नहीं लगा। तो हमने अपना जो सबवूफर है वो नीचे रखा हुआ था तभी हमें अच्छी वाली बेस फील हो रही थी, और साउंड बार अपना ऊपर रखा था टेबल के ऊपर। और एक चीज और बताऊं, वायरलेस होने का ये फायदा है कि अगर मान लो साउंड बार आ गया, मेरे पास पीछे कनेक्शन नहीं था, बट अगर तुम सबवूफर को पीछे करके चेक करोगे ना तो यूं है कि भाई बेस ऐसे लगता है पीछे से आ रही है, साउंड बार अपना आगे से आवाज दे रहा है, तो वो भी एक अलग सा ही एक सराउंड सा इफेक्ट देता है, मतलब अच्छा लगता है ओवरऑल बताऊं तो। और एक फ्रीडम मिल जाता है यार कि भाई तुम इसे कहीं पर भी प्लेस कर सकते हो, बस तुम्हें एक पावर कनेक्शन देने की दिक्कत है, अगर वो सॉल्व हो जाती है तो भाई वायरलेस वाला सिस्टम सबसे तगड़ा लगा मेरे को। और ऐसी कोई लेटेंसी वगैरह कुछ फील नहीं होता, बहुत ही तगड़ा सिंक होता है, मतलब जैसे तुम इसे ऑन करोगे ना दोनों को ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाते हैं, और मुझे एक बार भी ये चीज फेस नहीं हुई ये कभी कनेक्ट ना हो रहे हो। तो यहाँ पर ना एक रीसेट का बटन दे रखा है हमें सबवूफर के पीछे, जैसे इन केस अगर कोई इशू आता है जिस वजह से ये दोनों आपस में कनेक्ट नहीं होते ऑटोमेटिकली, तो तुम रीसेट करके इन्हें फिर से कनेक्ट कर सकते हो, उसका भी सोल्यूशन है। 240 वाट वाला साउंड बार भी रिव्यू किया था, उसमें डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट था, तो उसके साथ अगर कंपेयर करूं ना तो लाउडनेस मेरे को ऑलमोस्ट बराबर लगी उसकी जितनी लगी, जबकि उसमें 40 वाट्स का ज्यादा आउटपुट है, पर ये बहुत ही झगड़ा आउटस्टैंड करता है हर चीज को। बस हां डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट नहीं है इसमें, वो एक
ड्रॉबैक है, फिर वो एक्सपेंसिव भी है, ये थोड़ा भाई अपना बजट वाला भी है। पर देखो साउंड में बिल्कुल मुझे फील नहीं हुआ कि कहीं पर भी कमी है। डेफिनेटली कह सकते हो कि 10,000 रुपए के अंदर अभी इसका प्राइस इतना ही चल रहा है, क्योंकि तो उसमें हमें 17-18 हजार के साउंड बार जितनी कैपेबिलिटी दे रहे हैं। और मतलब बोट से जो तुम एक्सपेक्ट करोगे ना उसकी जो तगड़ी साउंड है वो इसमें दे रखी है। जो कमरा मैंने बताया तुम्हें मेरे स्टूडियो के हिसाब से इतनी चल जाएगी, तुम्हारा कमरे की दीवारें खिड़कियां तो हिला देता भाई आराम से। और एक इसका जुड़वा भाई है भाई थंप वाला, उसके अंदर बस कुछ नहीं है, नाम अलग है और वो वायर्ड वाले सब ऊपर के साथ आता है, ये वायरलेस के साथ आता है। बाकी पूरा सेम है, सेम आउटपुट है, सेम डिजाइन है, सब चीजें सेम है। तो अगर तुम्हारा बजट कम है तो तुम थंप भी प्रेफर कर सकते हो, अवान्ते बार थंप 1-2 हजार एक्स्ट्रा खर्च कर सकते हो, तो 2000 प्रो भी ले सकते हो। दोनों के दोनों बिल्कुल एज इट इज सेम है, मैंने पहले भी बताया था वीडियो में, तो मैं उन दोनों के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा खरीदने के। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आ गई हो और खरीदने का मन करो तो वहां जाकर खरीद सकते हो। बाकी मैं भी डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा भाई, मेरा एक्सपीरियंस बहुत सही था स्पीकर के साथ, मतलब मुझे तो बहुत ही सही लगी। देखो तो अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक मार सकते हो, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर देना, लाल बटन क्लिक करके बेल आइकन पे ऑल, और इन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो। हम मिलेंगे तुमसे ऐसी किसी मस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।